नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। दिवाली से दो दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी, धन कुबेर और धनवंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन खरीदारी करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग जमकर शॉपिंग करते हैं। हालांकि कुछ लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। तो आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस पर क्या कुछ खरीदारी करनी चाहिए, इसके साथ ही जानेंगे शुभ मुहूर्त क्या है। धनतेरस दिवाली से दो दिन पहले यानी कि 10 नवंबर को है। दोपहर बाद इसका शुभ मुहूर्त शुरू हो जाता है और धनतेरस की जो तिथि है वो भी दिवाली के दो दिन पहले 10 नवंबर को दोपहर बाद से शुरू होती है। ऐसे में 5:05 यानी कि शाम को 5:05 पर जो शुभ मुहूर्त है वो लगता है और अगले दिन यानी कि 11 नवंबर दोपहर तक आप धनतेरस की शॉपिंग कर सकते हैं। अब बताते हैं कि धनतेरस पर आप क्या कुछ खरीद सकते हैं। धनतेरस पर वैसे तो धातु से बनी हुई चीज़ें खरीदना शुभ माना जाता है। इसमें आप अपने बजट और अपने हिसाब से कोई भी धातु खरीद सकते हैं, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गई, पीतल, तांबा या फिर स्टील के कोई बर्तन भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो महत्व है वो झाड़ू खरीदने का भी महत्व है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना गया है क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जब आप झाड़ू खरीद कर घर लाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। अगर आप धनतेरस पर कुछ और खरीदना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी के पैर भी खरीद सकते हैं। इन्हें आप मेन गेट पर या फिर पूजा के द्वार पर लगा सकते हैं। इससे आपके घर में देवी माता की आगमन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा धनतेरस को लेकर जो एक खास मान्यता है कि आप जो भी शॉपिंग करें उसका इस्तेमाल दिवाली के बाद करें। दिवाली में पहले उसकी पूजा अर्चना करें, उसके बाद उसका इस्तेमाल शुरू करें। धनतेरस पर कुछ खाने पीने की चीज़ें या फिर माता लक्ष्मी को जो पसंद होती हैं उन चीज़ों की भी आप खरीदारी कर सकते हैं, जैसे कि पान के पत्ते। ये माता लक्ष्मी को बेहद पसंद होते हैं। आप 5 पान के पत्ते खरीद कर ले आएं और इन्हें दिवाली तक अपने मंदिर में रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग नमक खरीदते हैं और कुछ लोग अपने हिसाब से लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी खरीदते हैं। तो धनतेरस पर आप अपने बजट, आप अपने घर और ज़रूरत के हिसाब से कोई भी सामान खरीद सकते हैं। इससे पूरे साल माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।